टी20 वर्ल्ड कप में लग सकता है भारत को झटका। दो खिलाड़ी मैच के बीच आ सकते हैं भारत। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम सुपर 8 राउंड में पहुंच गई है और टीम इंडिया अपना आखिरी मैच कनाडा के खिलाफ खेलेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि भारतीय टीम के खिलाड़ी शुभमन गिल और आवेश खान को टी20 वर्ल्ड कप के बीच में ही भारत लौटना पड़ सकता है। दरअसल दोनों खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली थी, लेकिन रिजर्व प्लेयर होने के तौर पर यह दोनों टीम इंडिया के साथ थे। लेकिन इस बीच यह बात निकलकर सामने आ रही है कि शुभमन गिल और आवेश खान का वीजा अमेरिका तक का ही था। भारतीय टीम ने अपने तीनों मैच अमेरिका में खेल चुकी है और अब वह वेस्टइंडीज की सरजमी पर मैच खेलना है। इन दोनों प्लेयरों को वीजा न होने के कारणवश वापस भारत लौटना पड़ सकता है। मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में शुरुआत शानदार अंदाज में किया था। टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को हराया और उसके बाद पाकिस्तान को करारी हार दी। आयरलैंड और पाकिस्तान के बाद भारत ने अमेरिका को भी हराया और लगातार 3 जीत के बाद अब भारत को सुपर 8 राउंड में अपनी जगह बना ली है। बता दें कि भारत की टीम को अपना आखिरी मैच 15 जून को कनाडा के खिलाफ खेलना है।